आदाब नमस्कार। आज के मुख्य समाचार। गांव शब्बीरपुर में शोभा यात्रा निकालने को लेकर ठाकुर व दलितों में संघर्ष, एक की मौत। बैंक से फर्जी साइन कर लाखों रुपए निकालने वाले दो आरोपी गिरफ्तार। अधिकारियों ने अंबार रोड स्थित पेट्रोल पंप पर मारा छापा। वीआईपी घाट का नाम बदलने के विरोध में अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। शिक्षक संघ ने लगाया समस्या निवारण शिविर। खबरें विस्तार से। थाना बड़गांव के गांव शब्बीरपुर में महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा में आज दलित व ठाकुरों के बीच जमकर संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी हुई व कई घरों को आग के हवाले कर दिया गया, जिसमें एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। सूचना मिलते ही डीएम नागेंद्र प्रताप सिंह, एसएसबी सुभाष चंद दुबे भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रण में लिया। देर शाम आईजी मेरठ जोन अजय आनंद भी घटनास्थल पर पहुंचे और जायजा लिया। सभी घायलों को सहारनपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस लाइन सभागार में पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसएसपी सुभाष चंद्र दुबे ने बताया कि थाना सदर बाजार पुलिस द्वारा सर्व शिक्षा अभियान व स्वच्छता अभियान के खातों से पंजाब नेशनल बैंक दिल्ली रोड से फर्जी चेक में साइन द्वारा लाखों रुपए निकालने वाले दो अभियुक्त अतुल उर्फ नेत्राम सिंह निवासी शाहजहांपुर व संतोष यादव जनपद बरेली को गिरफ्तार किया है। सर, कभी 8 लाख कभी 4 लाख, ऐसे करके हमारे पास 32-33 लाख रुपए हमारे अकाउंट से सर निकला। नहीं, आपको पता नहीं था किस विभाग से पैसा निकाला जा रहा है, किस खाते से ट्रांसफर? नहीं सर, हमसे ये कहा था, हम सर इतना लालच में तो थे, हमसे ये कहा था कि देखो ऐसा है कि ये पैसा, हमने कहा कि सर उनका आतंकवादियों का किसी का तो नहीं है पैसा। बोले नहीं, जो पैसे खाते में डंप पड़े होते हैं, जिनके मर गए लोग, खाते वाले जिनका कोई लेना देना। अंबाला रोड पर गुरु नानक इंटर कॉलेज के सामने स्थित पेट्रोल पंप पर आज जिला पूर्ति अधिकारी ध्रुव सिंह यादव, एसडीएम राकेश कुमार गुप्ता, सीओ अब्दुल कादिर के नेतृत्व में छापामारी की गई, जिसमें इंजीनियरों द्वारा मशीन की बारीकी से जांच की गई। अधिवक्ता एसोसिएशन ने आज जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन कर एक राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी को सौंपा। गंगा स्थित पवित्र जो चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे वीआईपी घाट था, उसको उत्तर प्रदेश सरकार के एक संकुचित विचारधारा के मंत्री धर्मपाल सिंह द्वारा बदलने का कुचक्र रचा गया है। हम उस निर्णय की भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं और इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी और माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करते हैं कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर उस वीआईपी गंगा घाट का नाम यथावत चौधरी चरण सिंह जी के नाम से रखा जाए। बेरीबाग स्थित बीएससी कार्यालय पर आज उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ ने समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने जन समस्याएं सुनी और निस्तारण कराने का आश्वासन भी दिया। एसएम इंटर कॉलेज में आज विधायक हेम सिंह पुंडीर ने शिक्षकों से वार्ता करते हुए उनकी समस्याएं सुनी और उनसे 11 तारीख को होने वाले धरने में आने के लिए आह्वान भी किया। इस दौरान प्रधानाचार्य मनोज कुमार, ब्रजेश पुंडीर, अनिल शर्मा आदि शामिल रहे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने आज घंटाघर पर प्रदर्शन कर पाकिस्तान का पुतला फूंका। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में आज ठेकेदारों की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कई विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई और अपनी कार्यकारिणी का विस्तारण भी किया गया। कोट रोड पर देर शाम उस समय अफरा तफरी मच गई जब विद्युत विभाग के एक ट्रांसफार्मर में अचानक आग लग गई।